वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 इयर्स कंप्लीट। 75 इंडिपेंडेंस डे देख रहे हो आज कैसे आज हर जगह फ्लैग दिख रहा है। जहाँ देखो तहाँ फ्लैग दिख रहा है। तो हम रेडी हो चुके हैं निकलते हैं घूमने के लिए। आज हम दिखाते हैं अपने गाजीपुर का इंडिपेंडेंस डे कैसा सजा है और क्या क्या हो रहा है। तो ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को एंजॉय करें। हम निकलते हैं घर से शशांक को लेने, शशांक को लेके फिर निकलेंगे हम घूमने। चलो चलते हैं भाई। चलो चला हो क्या क्या आज कुछ मैसेज कर दो ना सके कहाँ जा मार्केट आ चुके हैं घूमने का। घूमने श्री बाजार का चौराहा और ये है जीजीआईसी स्कूल। रुक जाओ माँ की चूर। मज़ा आ गया। यहाँ चलेंगे हम कहाँ मेरी टोपी उतार दो कहीं के वो आज़ाद होखो लो के चाहे ना ही। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव साईं मंदिर में मनाता है एकदम फर्स्ट क्लास। मैं लड़का लड़की आज स्कूल घर से हर जगह से आज़ाद होके साईं मंदिर में भीड़ लगी ले वहाँ से एकदम चमचम। और आदित्य क्या कहना है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का? मंदिर में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरी आजादी यही हुई है। बिल्कुल फैंसी ड्रेस हमारे सलवार पहन पहन के एकदम साड़ी वड़ी। अरे गलत बात है यार, ये इतना आजाद कौन घूम। मतलब आजादी समझ में आती है। लाज शर्म, हम लोग स्कूल का कॉस्ट्यूम पहन लेते थे परफॉर्मेंस के वक्त। स्कूल में घूमने में शर्म आती थी। बाहर घूम रहे हैं। सही है। वेरी गुड। जो भी घूम रहा होगा यहाँ पे और देख रहा होगा बहुत सही जा रहे हो, आगे और सही जाओगे। बहुत तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ये इधर हमारे सारे भाई भाई बैठे हैं, इधर कोई बंधु नहीं है। और इधर केवल दिख सकता है इधर केवल इधर फैंसी ड्रेस वाले ही हैं सब। सब केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं? नहीं नहीं, कई सब कई कॉलेज है। मतलब उनका नाम नहीं लिया जा सकता कितना कॉलेज है। जीजीआईसी की भी हैं और सरस्वती शिशु मंदिर की भी और बहुत सारे। देखो इधर आंटी जी, अभी किसी का कोई इनका बच्चा चक हो गया कहाँ हो छोड़ जाओ। हम लोगों को एक झंडा दिख चुका है यहाँ पे, ये हम लोग का आगरा का। अब इसको सोचना है कैसे भीख मांगा जाए, फोटो खिंचवाना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना है। बहुत ही मेहनत का काम है। एक एक लड़के के घर पे वीडियो जाएगी, कितने सबके घर पे अपनी माँ से रो रहा है कि बाबू आ जाओ प्लीज आ जाओ। शान तेरी कम होने देंगे वतन नाम ले। हमने फिरी का झंडा भी मांग के यूज कर लें या फोटो वोटो खिंचवा लें या वेदी खिंचवा दो। कहाँ गुल माता चौथ फिरी का झंडा यूज हो सकता है।
एजेंडा जे कर लो करा लगे कोई हम मोनो को ना दिया जाए एजेंडा कर दो बहुत दिन चलते आज भगवान जी मेहरबान है मैं गंगा जी लागत है समुद्र का लहर रूप आता आवाज आ रही होगी कि नहीं पता नहीं आपको सामने का व्यू दिखाते हैं आवाज आ नहीं रही होगी सामने का व्यू दिखा दो चल कला के साथ कर दिया जा चल अभियान स्टार्ट कर दे गो गो वीडियो जी मजाक नहीं कर रहा हां लड़के बटोरो कल सफाई चुके हैं शशांक को देखने के लिए शशांक ओपीडी में है चलते हैं उसको मिलते हैं नाइस जितना आए में तो पूरा धुरिया के नीचे आए में तो पूरा धुरिया के नीचे उससे देख लिया है अब चलते हैं हम ब्लैक कंगवानी घूमने का प्लान है क्योंकि आज शायद सजा होगा तो घूम के आते हैं वहाँ पे ब्लैक कंगवानी दिखाते हैं अगर बाई चांस खुला हुआ और फ्री हुआ तो पैसा लगा के नहीं जाने वाले हम लोग आज पता नहीं 13 से 17 शायद फ्री था ना कुछ ऐसा था ना ऐसा कोई स्कीम था क्या जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स होंगे सब फ्री होंगे जैसे ताजमहल लाल किला ये सब फ्री है टिकट नहीं लग रहा है पहले टिकट लगता था अब आज टिकट नहीं लग रहा है आज क्या 13 से 17 तक सर देखें यहाँ का टिकट लगता है कि नहीं अब लगेगा तो नहीं जाएंगे अगर नहीं लगेगा भाई तो घूम लेंगे क्या करना है खुशी देख रहे लोग नहीं बधाई हो आज फ्री है आज कोई टिकट नहीं है यहाँ भी भाई जो मूछिए नहीं आ रही है बहुत गरीबी में बताओ मूछी हमारी खत्म हो गई फ्री है हमें सुन के खुशी हुई तो हम लोग फाइनली अंदर जा रहे हैं फाइनली हम अंदर जा रहे हैं देखते हैं क्या हो सकता है क्या दिखा सकते हैं आपको अंदर लेकिन आज कोई नहीं होगा बट आज कोई नहीं होगा जहाँ फ्री होता है वहाँ कोई नहीं होता है देखने जा रहे हैं और बढ़िया बाबू ये हम आगे घुसे ये हैं आप पढ़ सकते हैं अच्छे से ये हमारा सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका गाजीपुर का फेमस प्लेस इकलौता ये फ्री में एक तो ये गेट बंद किया गया है तो यहाँ सब पैसे नहीं कर सकते हैं ये हमारा एंट्री गेट है यहाँ से और ये बंद है तो हम इसके आगे नहीं जा सकते ज़्यादा भीड़ इसलिए है देख सकते हैं फ्री होने का ये फ़ायदा है तो आज शशांक हमें बताएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आज सबसे पहले तो आज़ादी का 75वां साल है इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है 25 आने वाले 25 साल को अमृत काल कहा जाएगा और इसलिए इस साल की शुरुआत को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है कि अमृत काल की आज से शुरुआत हो रही है कि आने वाले 25 साल में जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब हमारा जो भारत होगा वो अपने विराट रूप में होगा इसलिए इस 25 वर्षों को अमृत काल का नाम लिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और आज हम सोचे कि लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं
मोन्यूमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो आज थोड़ा इनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन, उनकी जो उनका जो मकबरा बना है वो गाजीपुर में क्यों बना है, और इसकी फेंसिंग देख सकते हैं आप लोग, फेंसिंग भी देखेंगे तो एक वॉर मेमोरियल की तरह है। ये भाला बनाया गया है, तलवार बनाई गई है, उसमें टूटी तीरों को दिखाया गया है, टूटी हुई तीरें लगी हैं, बड़ी तलवारें लगी हैं, भाला लगा है, और इधर कैनन लगी है, तोपें जिसको कहलाते हैं। ये एक ब्रिटिश वॉरियर थे जिनका मुकाबला मैसूर में टीपू सुल्तान से भी हुआ था। टीपू सुल्तान को हराने वाले यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। वो भी एक तरह से कहा जा सकता है वो भी अपने कौम के लिए लड़े थे, अपने जो अपना जो गुड था उसके लिए लड़े थे। अब कोई फ्रीडम फाइटर को या जो भी अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ जाना, उसको उसके मतलब उसको निस्तनाबूद कर देना, उसको हरा देना, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ये तो करेगी। लेकिन लोगों को लगता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बहुत अच्छा इंसान था, उसका मोन्यूमेंट देखने लोग आते हैं दूर दूर से। इसका यहाँ का टिकट 50 रुपये है, यहाँ का टिकट 50 रुपये है। और हम चलते हैं आगे, जहाँ इनके बारे में लिखाया गया है वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या लिखा है और क्या हकीकत है। चलो आप इधर चलो, तो हम चलते हैं वहाँ पे, आपको अच्छे से दिखाएंगे। बड़ा क्राउड है यार, आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि आज फ्री टिकट है तो लोग आज फ्री में घूमने आए हैं, ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है। और हम लोग भी आज इसीलिए आए हैं कि ऐसे किसी ब्रिटिश के मॉन्यूमेंट को देखने के लिए, जिसका कि वॉर मेमोरियल यहाँ बना रखा है, उसको हम लोग देखने यहाँ पे क्यों आए? सही, पैसा देखे। खैर वो बात अलग है कि वो हमारे गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसके हेरिटेज सेंटर्स के जो भी पैसे आते हैं वो हमारे कोष में जमा होते हैं, वो देश के काम आते हैं। जहाँ टैक्स पेयर का पैसा लगता है वहाँ हम लोग का भी टूरिज्म का भी पैसा जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर कि किसी अंग्रेज रूलर का मकबरा इतनी इज्जत से इतनी शान से खड़ा है, ये अच्छी बात नहीं है। सुन सकते चलिए हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, आपको चल के दिखाते हैं आगे। जो आगे हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, हमने सही से पढ़ा नहीं था, रसायन कहा कि रुको आज मैं उसकी पोल खोल ही देता। हमें मालूम पहले से था, लेकिन अभी ये वीडियो बनाने की बात आई तो सही से बनाते हैं, जब वीडियो बनाना है तो फिर पूरा बताते हैं, आधी जानकारी नहीं। तो आज आपको पूरी जानकारी देंगे लाइक करो मैंने इसके बारे में। तो हम आप पहुँच चुके हैं, आप सामने देखो गेट पर भी होगा कि ये कोई मकबरा है। तो ये देख लो भाई साहब, ये मकबरे पर तलवार ढाले नहीं होती हैं, ये एक वॉर मेमोरियल है, ये एक वॉर मेमोरियल है। ऊपर देख सकते हो धनुष बनी हुई है, ये एक वॉर मेमोरियल है। इधर देखो, हमको मत देखो, यहाँ लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश क्या लिखा है, शासनकालीन भारतीय इतिहास का एक कुशल प्रशासनिक महान सेना नायक था। पहले ब्रिटिश है तो वो महान सेना नायक कैसे हो सकता है, जबकि अंग्रेज, हमको पता है कि अंग्रेज यहाँ गुलामी कराते थे, ज़बरदस्ती फार्मिंग कराते थे, ज़बरदस्ती यहाँ पे अफीम और फ्लावर्स की फार्मिंग होती थी, तो यहाँ पे वो महान सेना नायक कैसे हो सकता है? महान सेना नायक वहाँ की सेना को, ब्रिटिश की सेना को इंडिया में भारतीयों का दमन करने को भेजा गया था, तो ये महान सेना नायक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हो सकता है, सबसे पहली बात तो। और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि न्याय व्यवस्था का, और मैसूर में द्वितीय टीपू सुल्तान का युद्ध, मैसूर का पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ था टीपू सुल्तान। कुछ लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर है, किसी फ्रीडम फाइटर को मारने वाले को लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पे ऐसे महान सेना नायक कैसे बताया जा सकता है? कल को कोई कहे कि सुभाष चंद्र बोस को जो मारा था वो महान सेना नायक था, तो ये क्या सही है? और देखो इधर लिखा है, जो न्याय व्यवस्था लिखा है तो ये सही है, जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई है इंडिया में वो इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी सिविल सर्विसेज की शुरुआत। लेकिन वो क्यों? इंडियंस का दमन करने के लिए, इंडियंस को सप्रेस करने के लिए, ताकि उन पर अच्छे से हुकूमत की जाए। बड़ी बड़ी मिलिटेंसी जो थी वो उस वक्त आक्रमण वहाँ अलग जगह से दूसरी जगहों से आना पड़ रहा था, रीजनल एरियाज के लिए उसने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत जो की थी वो इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी,
और जो फॉर्मूला आया था यूपी और बिहार में, जिसको इम्पोज किया गया था सबसे पहले फॉर्मूला, यहाँ पे खेती शुरू से बहुत बड़े पैमाने में होती थी और यहाँ के किसानों को परेशान करने के लिए यहाँ के किसान खुशहाल थे अंग्रेजों के ज़माने में भी, लेकिन उसी लिए लाया गया था फॉर्मूला जो कि लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसमें सब, इसमें आप देखेंगे पूरी प्रशंसा ही लिखी हुई है। और इतने में ये यहाँ पे रूल कर रहे थे 1793 तक। बंदा 1793 चला गया था ब्रिटेन, इसको ब्रिटेन भेज दिया गया, ब्रिटेन में इसको मेडल्स मिले थे अच्छे रूलर के लिए। अच्छे रूलर ब्रिटेन, ब्रिटिश के नज़र में कौन हो सकते हैं, जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लेके गए हों यहाँ से, जो यहाँ से ज़्यादा संपत्ति लेके गए हों, जो यहाँ पे फार्मिंग जो अच्छी किए हों, उन लोगों के लिए एक मशीन जैसा था इंडिया, और इस मशीन से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते थे। तो मशीन को ज़्यादा चलाने से मशीन ख़राब होती है, मशीन हीट होती है, तो वही हाल था इंडिया का। इंडिया की स्थिति दिन पर दिन ख़राब होती थी, कबाड़ा होती गई ज़्यादा यूज़ होने की वजह से। और इसमें लिखा है कि चला गया यहाँ 1792 में, जब 1793 में जब ये चला गया, तो मृत्यु यहाँ गाजीपुर में इसकी 1805 में कैसे हो सकती है। हम यहाँ से चले गए इंग्लैंड, हमको मेडल दे दिया गया और हमारा डेथ हुआ इंडिया में 1800, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये इंडिया में रहकर, इंडिया में रहकर ऑफिशियली एक हमने न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी जहाँ 400+ रेप्स बताए गए थे इसके अगेंस्ट, और इसके इसी ने लॉ भी इम्पोज किया था, जिसको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में तो उसे पता होगा, लॉ को कोडिफाई भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था, और उसी लॉ की वजह से जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स थे वो रेप और जो फाल्स फार्मिंग होती थी और फीम वगैरह की फार्मिंग होती थी उसी की वजह से बचते थे, हमेशा और हमेशा इसी के लॉज की वजह से बचते थे। और यहाँ पे उसको लिखा गया भारत में शांति स्थापना करने के लिए, यहाँ पे इनको पुरस्कार दिया गया। और कोलकाता के जो, कोलकाता में रहने वाले जो ब्रिटिश नागरिक थे वो यहाँ पे आके मॉन्यूमेंट्स बनाए थे इन भाई साहब के लिए, और उसको आज तक इंडियन गवर्नमेंट सजो के रखी हुई है, याद करते हैं कि हमको कैसे कोई गुलाम किया था, हम पर कैसे कोई आक्रमण किया था, और यहाँ पे उसको कितना अच्छे से दिखाया गया था कि मैसूर का द्वितीय युद्ध लड़ा था और बहुत महानता से लड़े थे और बहुत महान सेना नायक थे। यही है, फालतू गाली वाली दे देंगे, बस इतना ही है जो आज का है। जय हिंद, जय भारत। रियलिटी, जो रियलिटी में जो कहा जाता है वो क्या है और जो बताया गया वो क्या है। सांग ने आज पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि होता क्या है और बताया क्या जाता है। अपना इतिहास जानो, यहाँ पे सब आ जाते हो बस बेवजह, पता कुछ नहीं रहता है, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। पढ़ोगे भी क्या, हिस्ट्री में भी वही लिखा गया, उसको सिविल सर्विसेज का फादर, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि उस वक्त जब ब्रिटिश रूल था तो सिविल सर्विसेज लाई क्यों गई थी उस वक्त, और वहाँ फॉर्म लॉ क्या था, और सबको पता है उसने लॉ को। छोड़ यार, बहुत हो गया उसके बारे में, अब ज़्यादा लेक्चर हो गया है। चलिए हम आगे, आप दिखाते हैं या तो चलते हैं घर, क्योंकि बहुत देर से हम लोग घूमने निकले हुए हैं। तो ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दें। शशांक कुछ कहना है और? तो शशांक को आप कुछ नहीं कहना है, तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। और ये आज आपको बता दूँ, आज यहाँ का फ्री टिकट थी, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आज, तो हम लोग फ्री में ही आए थे, जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ हम नहीं जाते हैं। तो ब्लॉग को यहीं करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। When there's no more hope is left in me.